बच्चों आज मैं लोटपोट से आपके लिए एक मजेदार व शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है जादुई पत्थर की खोज, जिसे सुलेना मजूमदार अरोरा ने लिखा है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अनु नाम का एक युवक रहता था। दुर्भाग्य से उसके माता पिता दोनों का निधन हो गया था। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहता था। एक सुबह जब अनु नदी में नहाने गया तो उसे पेड़ के नीचे एक पुरानी पुस्तक मिली। उसने किताब को झाड़ा और वहीं बैठकर उसे पढ़ने लगा। उसमें कई कहानियां थी, लेकिन एक कहानी ने उसका ध्यान खींचा। वो प्रकाश नाम के एक युवक की कहानी थी, जिसने लिखा था कि उसे एक ऐसा पत्थर मिल गया है जो सबकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आगे उसने लिखा था कि मेहनत से खोजने पर हर किसी को ऐसा और भी जादुई पत्थर मिल सकता है। प्रकाश की बहादुरी और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अनु के मन में भी उत्साह भर गया और उसने भी उस जादुई पत्थर को खोजने का फैसला किया। अनु पूरे जोश के साथ जंगलों, पहाड़ियों, नदियों के किनारे किनारे एक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। कहीं पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल था तो कहीं जंगल घना था। वो जितना आगे बढ़ता गया उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा होने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ चलता रहा। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान अनु को अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह के लोगों का सामना करना पड़ा। कई बार जंगल में उसे ऐसे जानवर भी मिले जिसने अनु की बहुत मदद की और जीवन के मूल्यवान सबक सिखाए। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने उसे धैर्य और ज्ञान का महत्व सिखाया, जबकि एक शरारती गिलहरी ने उसे टीमवर्क, सहयोग और गतिशीलता का मूल्य सिखाया। इन मुलाकातों ने अनु की आंखें खोल दी और वो जान गया कि यह दुनिया कैसी है और उसे यहाँ आगे बढ़ने के लिए कैसे जीना चाहिए। अंत में महीनों की खोज के बाद अनु आखिर उस स्थान पर पहुंच गया जहां उस जादुई पत्थर के होने की बात लिखी थी, लेकिन वहां तो कोई पत्थर ही नहीं था। तब अनु ने अपने बैग में रखे उस पुस्तक को निकाल कर दोबारा उसे पढ़ा। उसने देखा कि अंतिम पन्ने पर लिखा है, असली खजाना तुम्हारे भीतर है। आज तुम्हें अनुभव का ऐसा विशाल खजाना मिल गया जो तुम्हारे लिए जीवन की सफलता का रास्ता दिखाएगा। अनु समझ गया कि सच्ची शक्ति और जादू उसकी अपनी क्षमताओं, सपनों और जुनून में है। उसने महसूस किया कि उसकी इस यात्रा का हर कदम विकास, शिक्षा और आत्मखोज का अवसर था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन की यात्रा स्वयं अक्सर गंतव्य से अधिक मूल्यवान होती है। हम अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ता, मेहनत और ताकत से अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। बच्चों, ऐसी ही मजेदार और कहानियां सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।